देवास जिले के टोंक खुर्द में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच मंत्री सज्जन सिंह वर्मा देवास शहर, कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी देवास, जिला कलेक्टर श्रीकांत पांडे और SP चंद्रशेखर सोलंकी, सोनकच्छ SDM अंकिता जैन के साथ दलबल सहित क्षेत्र में दौरे के लिए पहुंचे। जिन स्थानों पर उनकी गाड़ी नहीं पहुंच सकी, वहां पर सरकार ट्रैक्टर पर बैठकर लोगों के बीच पहुंची। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने ट्रैक्टर चलाकर मंत्री वर्मा के सारथी बने और लोगों तक पहुंचे और उनकी समस्या का समाधान वहीं पर तुरंत किया गया। मोहम्मदपुर गांव में निचली बस्ती के लिए 45 परिवारों को ऊंची जगह पर सरकारी पट्टे देने की घोषणा भी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा की गई। मंत्री वर्मा ने सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को ताना मारते हुए कहा कि हम हवा हवाई में काम नहीं करते हैं। इसके पश्चात टोंक खुर्द नगर परिषद में भी पहुंचे। लोगों की सूची आपको सौंपी तथा मोहम्मद खेड़ा में आपने क्या क्या घोषणा की? मोहम्मद खेड़ा गांव में भारी बारिश की वजह से गरीब के झोपड़ों में पानी घुस गया। उन लोगों की मांग थी कि हमें ऊपर बसा दिया जाए, गांव के ऊपर जो जमीन है शासकीय। 42 लोगों ने आवेदन दिए हैं, कलेक्टर साहब और SP साहब हमारे साथ में सारे अधिकारी तत्काल स्वीकृति दे दी कि उन 42 लोगों को तत्काल पट्टा दे देंगे और ताकि वो अपना घर ऊपर बना ले। दूसरी बात, इस गांव में थोड़े से बड़े पुल की आवश्यकता है, उसका एस्टिमेट बनाने के निर्देश दे दिए हैं, वो बनाएंगे। 1.5-2 किलोमीटर का रोड सेकली रोड से मोहम्मद खेड़ा को जोड़ने वाला, वो बनाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ में जनोली गाँव लगा हुआ है, वहाँ भी पुल का एक हिस्सा और बनना है। वो 150 फीट सड़क टूट गई है, वो अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि ये काम भी साथ में मोहम्मद खड़ा जनोजी एक साथ लगे हुए गांव उनका भी काम कर दो, वो भी हो जाएगा। और कोई बिजली की समस्या बताइए DP की, तो एक नई DP और हम मोहम्मद खेड़ा वालों के लिए लगवा रहे हैं ताकि बिजली निर्बाध गति से खेती और गाँव के लिए मिल सके। मुख्य मांग यही थी तो हमने तत्काल मंजूर कर दी है, नई सड़क भी मंजूर कर दी है। जो भूखे प्यासे कल से बैठे हुए घरों में, अभी मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत, आप भी यहाँ थे पत्रकार बंधु, एक ने भी इस तरह की शिकायत नहीं की। कुछ महिला बाहर बैठी है, देखिए देखिए आप सुन लीजिए, जो जो समस्या मुझे बताएगी एक एक मिनट में सारी हल करने की कोशिश की है। यदि गांव वाले बोलेंगे तो 1 घंटे में सारी व्यवस्था हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। ये भी हम अधिकारी साथ में निर्देशित कर देते। मीडिया के सामने एक एक समस्या आई है और एक एक हल की है मैंने, जो समस्या आ रही तत्काल हल करते हैं, बनाई हुई समस्या मेरे से हल नहीं होती। पर चूंकि मेरा गांव है, यदि उनको आवश्यकता है भोजन की, खाद्यान्न की, तत्काल अभी अधिकारी यही निर्देशित कर देंगे। कुछ नहीं करा तो हवा हवाई में कहाँ है उनका भुगे अपने से, केंद्र सरकार ही तुम्हारी लाके दो, दमखम है नहीं। ये तो सज्जन वर्मा जैसे लोगों में दमखम है जो इस क्षेत्र का इतना विकास हुआ और बचा हुआ विकास और होगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।